ये पेपर है 10th क्लास का, मैथ्स का है, अलवर जी लेकर है। मैं राकेश यादव, निदेशक राजधानी फाउंडेशन क्लासेज खोरी मानसूर। मेरी मोबाइल नंबर 97 88 78 10 40 है, और मैथ्स में यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप भी मेरे चैनल पर कमेंट कर सकते हो। साथ ही कोई भी प्रमेय निर्मेय या किसी प्रकार की जो प्रश्नावली हैं उनमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरे से मेरे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, सूत्र एकादिकेन पूर्वेण विधि का प्रयोग करते हुए 588 और 512 का मान ज्ञात करो। देखिए बेटा, इसमें पाँच का एकादिकेन छः है, पाँच का एकादिकेन छः है और ओब्लिक 88 × 12, इस तरीके से अपन इसको ज्ञात कर लेंगे। दूसरा, अभाज्य गुणनखंड विधि से 375 और 675 का एससीएफ ज्ञात करो। दूसरा क्वेश्चन है ये, इसमें अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे और फिर एससीएफ ज्ञात करते हैं, मैथ से जिसको मैथम समापवर्त कहते हैं, दोनों जो संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंड करके और उसमें जो कॉमन संख्या है उनको लिख लेंगे, विदाउट कॉमन को छोड़ देंगे, वही इसका एससीएफ है। अगला क्वेश्चन है, 2 sin 45 cos 45 का मान ज्ञात करो। दो सारणी में से त्रिकोणमिति जो सारणी है उसमें से इसका मान देख लेंगे, 2 × sin 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान 1/√2, उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, और √2 को √2 से गुणा किया 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से बेटा tan tan 49/cot 40 का मान ज्ञात करो। इसमें ये 49 ये पूरा का अनुपात है, इसको tan 90 − 41/cot 41, तो cot 41/cot 41 = 1 आ जाएगा। दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपात होगा, दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ होगा, इसमें बेटा लिखना है लंबसम द्विभाजक। घड़ी की पेंडुलम की सिरे का बिंदुपात क्या होगा, तो आपको लिखना है वृत्त की चाप। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती हैं, तो उसको अपन लिखना है 2। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, आपको पता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त की त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र, इसको लिखेंगे L = π/θ/180°। निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात करो, इसमें लिखेंगे बेटा 9 की सर्वाधिक बारंबारता 2 है, अतः बहुलक 9 है। 65 का वेदिक विधि से, यानी इसको अपन को सूत्र एकादिकेन पूर्वेण विधि से वर्ग ज्ञात करना है, तो 6 का एकादिकेन 7, ओब्लिक इकाई अंक का वर्ग, यानी 6 × 7 = 42 और 5 × 25 42 − 25 लिख देंगे। दो पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम 12 और 336 से इसका पहला पूर्णांक 48 है, दूसरा पूर्णांक ज्ञात करो, तो अपन लिखेंगे बेटा दूसरा पूर्णांक बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम बटा पहला पूर्णांक, यानी 12 × 336 / 48 बराबर आपके आ जाएंगे बेटा आंसर। 13वां जो प्रश्न है, 4 cos³ 30° - 3 cos 30° का मान ज्ञात कीजिए। तो 4 cos 30 का मान बेटा होता है सारणी में √3/2, उसका क्यूब माइनस 3 cos 30 का मान होता है √3/2। इनको जब अपन 4 cos³ मतलब √3/2 का क्यूब जब अपन करेंगे तो 3√3/8 हो जाएगा, उसको 4 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3√3/2 − 3√3/2 बराबर में अपन लिख देंगे 0। नेक्स्ट जो है, 14 क्वेश्चन है, इसमें सर्वसमिका की सहायता सिद्ध करो। कोसेक स्क्वायर थीटा के स्थान, पहले एलएचएस लेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा के स्थान पर 1/sin² θ + 1/cos² θ, फिर बटा sin² θ cos² θ इसमें लघुत्तम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा cos² θ + sin² θ / sin² θ cos² θ, उसका मान 1 रखेंगे, दोनों को अलग अलग लिखेंगे और उससे प्राप्त करेंगे अपन cosec² θ × sec² θ। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 100:81 है, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करो। इसके संगत भुजाओं का अनुपात आ जाएगा 16 16/81 का बेटा वर्गमूल ले लेंगे, क्योंकि अपन ने ऊपर में पढ़े हैं कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनका क्षेत्रफल उनके संगत भुजा के वर्गों के बराबर होता है, उसके अकॉर्डिंग अपन इसको ज्ञात कर लेंगे, 4:9 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में एबी व एसी क्रम से डीई डी व ई बिंदु इस प्रकार है कि डीई समांतर बीसी, AD बराबर 6 सेंटीमीटर, DB बराबर 9 सेंटीमीटर, AE बराबर 8 सेंटीमीटर, तो AC का मान ज्ञात करो। इसमें अपनी 11.1 प्रमेय आधारभूत समानुपातिक प्रमेय,
कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा समांतर कोई रेखा खींची जाए तो त्रिभुज के अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती हैं, अर्थात AD / DB बराबर AE / EC। उससे अपन ज्ञात कर लेंगे तो सबसे पहले बेटा बाहर आएगा वो AC का मान आपको ज्ञात कर लेना, और फिर AC का ज्ञात करेंगे तो 12 में 8 जोड़ देंगे 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट है एक एक वृत्त की बिंदु Q से स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर, Q से केंद्र की दूरी 17 त्रिज्या ज्ञात करो। वृत्त की बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई में समान होती है, इसमें केंद्र से दूरी दे रखी 17, स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखी 15, तो बेटा अपन इसमें आधार ज्ञात कर लेंगे। तो उस पाइथागोरस प्रमेय से अपन लिख देंगे आधार के स्क्वायर बराबर करण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, 17 17 279 15 15 225 घटाएंगे तो बेटा आपके पास आ जाएगा 64 64 का रूट लेंगे तो 8 सेंटीमीटर आ जाएगी इसकी त्रिज्या। वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। 18 क्वेश्चन है, आप पहले वृत्त की परिधि का सूत्र लगाओगे 2πr, उससे आप आर ज्ञात करोगे 14 सेंटीमीटर, फिर वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे 1/4πr² से। एक पासे को एक पर फेंकने से विषम अंकांश प्रायिकता ज्ञात करो, एक पासे को एक पर फेंकने से निम्न 6 परिणाम प्राप्त होते हैं 1 2 3 4 5 6, कुल परिणामों की संख्या देगी 6 और विषम अंकांश प्रायिकता बराबर एनी बटा एनएस, अर्थात घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या बराबर 3/6 बराबर उत्तर निकाल देंगे बटा 1/2। यदि ई नहीं की प्रायिकता 0.95 है तो प्रोबेबिलिटी इवेंट का मान ज्ञात करो, बड़ा अपना फॉर्मूला बनता है इसमें कि प्रोबेबिलिटी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1, नॉट इवेंट का मान दे रखे है और इवेंट का पूछ रहा है तो 1 में से 0.095 घटा देंगे तो आपके पास 0.05 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिया समीकरण 9x² + 7x - 2 को हल करो और मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए, बड़ा इसको हल अपन तीन विधियों से ज्ञात कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से भी ज्ञात कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं, द्विघाती सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, और मूल की प्रकृति का जो सूत्र होता है वो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। सबसे पहले इसको अपन एबीसी के रूप में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या गुणा में होती है उसको ए कहेंगे, एक्स के साथ जो संख्या गुणा में होती है उसको बी कहेंगे, और अंक की जो संख्या है उसको बेटा सी कहेंगे, और मूल की प्रकृति का जो सूत्र है नेचर ऑफ रूट वो अपन लिखेंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बेटा 22 है, 1 AP 13 8 और 3 के प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात करो, इसमें आपको समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है वो a बराबर 13 हो जाएगा, डिफरेंस ज्ञात करेंगे तो d बराबर 8 माइनस 13 बराबर माइनस 5, और इसकी 20 पर n बराबर है 20, 20 पदों का आपको योग ज्ञात करना है, 20 पदों का आपको योग ज्ञात करना है, तो 20 पदों का जो योग ज्ञात करेंगे तो योग का सूत्र लगाएंगे अपन Sn बराबर n / 2 2a + n - 1 * d, उससे ज्ञात कर लेंगे। यदि एक खंभे के आधार से 20 मीटर दूर स्थित प्लेटफार्म के बिंदु से खंभे की चोटी पर लगे कैमरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो, इसमें एक समकोण त्रिभुज बना लो बेटा और उसके आधार से कह रहा है, इसका मतलब आधार 20 है, ऊंचाई को आप h मान लो और थीटा की जगह वहां आप 60 डिग्री लिख दोगे इसमें, और टैन का सूत्र लगा के आप इसमें ऊंचाई ज्ञात कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त खींचिए, हम प्रकार में 5 सेंटीमीटर की दूरी वर्ग के एक वृत्त खींचेंगे, इसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से स्पर्श रेखा युग्म की रचना करो, हमारी 14.1 एक्सरसाइज है उस पर आधारित बड़े एक प्रश्न है कि हम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त खींचेंगे, इसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर उस रेखाखंड को बढ़ाएंगे वहां पी बिंदु अंकित कर लेंगे, प्रकार में हम आधी से ज्यादा दूरी भरकर इस 13 सेंटीमीटर वाले जो रेखाखंड है इसमें आधी से ज्यादा दूरी भरकर हम रेखाखंड का लंब वर्धक करते हैं, जहां रेखाखंड का लंब वर्धक उस रेखा को प्रतिच्छेदित करेगा वहां से हम प्रकार के केंद्र मतलब प्रकार में दूरी भरकर एक अन्य वृत्त बनाएंगे, जहां दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे तो उस बाह्य बिंदु पी से इस पर 2 स्पर्श रेखा युग्म की रचना कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है रोड सेफ्टी का बढ़ाइए, एक सीधे व 8 मीटर ऊंचे एक सीधे व 8 मीटर ऊंचे पोल पर यातायात नियंत्रण के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाना है, इस पोल के सिर से 17 मीटर दूरी पर यातायात देख सकता है तो पोल के चारों ओर कैमरा का दर्शनी भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, इसमें क्या बेटा हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जिसकी ऊंचाई आपके पास 8 मीटर है और इसका जो कर्ण है समकोण त्रिभुज का वो 17 है, तो अपन पाइथागोरस प्रमेय से आधार ज्ञात कर लेंगे वो 15 आएगा, और फिर वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे
क्योंकि कैमरे का जो दृश्य भाग है वो वृत्ताकार होता है, इसलिए वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगा के पाई आर स्क्वायर और ज्ञात कर लेंगे। अगला प्रश्न है बेटा, निम्न रैखिक समीकरण युग्म 26 बोर्ड में 6 नंबर का आएगा, लेकिन यहाँ 5 नंबर क्या है ये, तो 2x+y=6, 2x-y=2, इसमें तीन तीन मान निकाल के बेटा ग्राफ में प्रदर्शित कर देते हैं। अगला प्रश्न है, 5 को -3 -3 को -2 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित करता है। आप दोनों सिरों पर दो बिंदु लीजिए, ए और बी, और एक्स अक्ष द्वारा, तो एक्स अक्ष पर प्रत्येक कोटि का मान शून्य होता है, एक्स और जीरो लिख दो। ऊपर रेखाखंड पर चाहे आप M1 अनुपात M2 लिख दो अथवा के अनुपात 1 लिखकर और अंत विभाजन का सूत्र लगाओ, एक्स बराबर M1x2+M2x1/M1+M2, वाई बराबर M1y2+M2y1/M1+M2। ये फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन एक्स अक्ष से पूछा है तो जो मान अपन रखेंगे वो बेटा वाई वाले जो फॉर्मूला है उसमें रखेंगे, वाई के स्थान पर जीरो रख देना और M1 M2 का मान ज्ञात कर लेना। अगला प्रश्न है, सिद्ध करो एक वृत्त के केंद्र से एक वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये आपकी 12.3 प्रमेय बेटा कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करते हैं, एक वृत्त बना देते हैं उसके केंद्र से जीवा के ऊपर लंब डाल लेते हैं, रचना करते हैं, ओए ओबी को मिलाए और दिया है, मैं ऐसे लिख देंगे ओ वृत्त का केंद्र है तथा ओपी लंबे एपी पर, और रचना में वो करके एपी बराबर बीपी अपन को सिद्ध करना है। अगला प्रश्न है, एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या ज्ञात करो। अपन अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, तो अपन 3 πr² = 462 और बेटा 3 πr² = 462 और उससे आर निकाल लेंगे 7 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, एक 7 मीटर व्यास वाला एक कुआ खोदा जाता है, खोदने से निकली हुई मिट्टी को फैलाकर 22 × 14 × 2.5 मीटर चबूतरा बनाया जाता है, कुएं क्यों चाहिए याद करो। मतलब बेटा इसमें एक तो बेलन है और एक चबूतरा यानी घनाभ है, तो अपन क्या करेंगे घनाभ के आयतन बेलन के आयतन का भाग दे देंगे, तो आपके पास इसकी ऊंचाई आ जाएगी 20 मीटर। अगला प्रश्न है, परिवार का माध्य ज्ञात करो। हम सबसे पहले मध्यमान ज्ञात करेंगे और मध्यमान ज्ञात करने के बाद एफ आई को एक्स आई के साथ गुणा कर देंगे और प्रत्यक्ष विधि से बेटा इसका माध्य ज्ञात कर लेंगे। बहुलक याद करो अगला क्वेश्चन में, बहुलक में सबसे बड़ी बारंबारता चूज करते हैं और जो सबसे बड़ी बारंबारता यहाँ अपने पास से 65, इसको अंडरलाइन कर लेना, जो सबसे बड़ी बारंबारता उसको F1, ऊपर की बारंबारता F0 और नीचे की बारंबारता F2। इस प्रकार से बहुलक का सूत्र लगाएंगे, Z = L+F1 - F0 / 2F1 - F0 - F2 × H, ये फॉर्मूला लगा के अपन बहुलक याद कर सकते हैं। अगर आपको बेटा वीडियो अच्छा लगा या पेपर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे जो मोबाइल नंबर है राकेश सर 5200।